आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसा वक्त आएगा कि जेडे काफिर ने मुसलमाना ते हमला हर तरफ हमला आवर होवनगे, हर संबत तो हमला आवर होवनगे और मुसलमान उन्हां दा सामना नहीं कर सकनगे और उन्हां नूं रोक नहीं सकनगे और उन्हां दे हमलां दा कोई जवाब नहीं देवनगे। साहबा किराम अल्लाह रिज़वान ने ताज्जुब दे नाल अर्ज़ कीती, हुज़ूर इस तरह किवें होएगा, क्या मुसलमान इन्ने थोड़े रह जावनगे कि उन्हां कोल इन्नी ताकत ही नहीं होवेगी कि जवाब देण। आपने फरमाया नहीं, मुसलमान बड़े होणगे, तादाद बहुत ज्यादा आएगी। तो अर्ज की हुजूर फिर वजह ऐसी क्या है, इन्नी कमजोरी इन्नी कश्ती क्यों होगी? फरमाया उन्होंने दिलों में दुनिया की मुहब्बत आ जाएगी और मौत उन्होंने नापसंद हो जाएगी, उन्होंने मरना बड़ा औखा लगेगा और मरण के नाल नफरत होगी, जिंदगी के नाल चाहत होगी, मुहब्बत होगी, दुनिया के नाल मुहब्बत होगी। जो दुनिया की मुहब्बत आती है और मौत के नाल नफरत पैदा होती है तो फिर इंसान ज्यादा जीवन की कोशिश करता है, जिमें जिमें वह ज्यादा जीवन की कोशिश करेगा उमें उमें कमजोर होता जाएगा और जो दुश्मन है वो उन्होंने गालब आता जाएगा।